हमीरपुर शहर के वार्ड नंबर 5 में गत दिनों पंजाब के लुधियाना से आए लोगों की मारपीट के बाद पुलिस के द्वारा कोई ठोस कार्रवाई न किए जाने पर आज परिजनों ने एसपी हमीरपुर से मुलाकात की है। इस अवसर पर कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय सचिव कश्मीर सिंह ठाकुर की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल ने एसपी कार्तिकेय गोकुल चंद्रन के साथ इस मामले में जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही एसपी से इस मामले में किसी भी आरोपी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं होने पर भी परिजनों ने गहरा रोष व्यक्त किया है। ठाकुर कश्मीर सिंह ने दो टूक शब्दों में पुलिस प्रशासन को चेताते हुए कहा है कि अगर मामले में कार्रवाई नहीं की जाती है तो न्याय के लिए कम्युनिस्ट पार्टी आंदोलन को तेज करेगी। और ये रोष व्यक्त करने आए थे कि आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, और हमने यही मांग की है कि जल्दी जो दोषी है उनको गिरफ्तार किया जाए और जिन लोगों ने यहाँ सामान मुहैया करवाया था उनके लिए गेंती कुल्हाड़ी ये सारी चीज़ें उनको भी जो है उसके अंदर पकड़ा जाना चाहिए। और अलग से जो है पति का बयान भी आज हुआ है, इनके पिताजी का बयान भी आज तक पुलिस ने नहीं लिया, इसका पता चलता है कि किस तरह से ये कार्रवाई चल रही है। और हमने एसपी साहब को कहा है कि हम चाहते हैं कि तुरंत कार्रवाई हो और जो दोषी है उनको गिरफ्तार किया जाए। और उन्होंने कहा मेडिकल का रिपोर्ट नहीं आया, तो मेडिकल का रिपोर्ट लेना पुलिस का काम है, हमारा काम नहीं है। और हम पिछले 30 सालों से लगातार यहाँ देख रहे हैं कि इस तरह का जो हमला हुआ है उस हमले के बाद इतना लेट गिरफ्तारियाँ आज तक नहीं हुई। तो इससे सवाल उठता है क्या वजह है, क्या कोई प्रेशर है किसी कॉर्नर से, पॉलिटिकल प्रेशर है क्या है? उन्होंने कहा हमारे पर कोई प्रेशर नहीं है, प्रेशर नहीं है तो गिरफ्तारियाँ होनी चाहिए और तुरंत जो है तभी पता लगे कि न्याय लोगों को मिल रहा है। ये तो दहशत है, ये तो अपने घर में भी नहीं रह रहे हैं, ये तो पड़ोसियों के घर में शेल्टर लिए हुए हैं। इस तरीके से जो रुख है बीजेपी के राज में इस तरह का गुंडागर्दी बढ़ गया है और तमाम बीजेपी के नेता जो है अभी इस काम में लगे हुए हैं कि पैचअप करो। और हम चाहते हैं कि तुरंत कार्रवाई हो और अगर कार्रवाई नहीं होती है तो पार्टी जो है विरोध प्रदर्शन करने पर भी गुरेज नहीं करेगी और लीगल जो मदद इनको चाहिए उसको लेकर भी हम जो है आगे आएंगे। वहीं पीड़ित युवक सुमित कुमार ने बताया कि आज एसपी से मिलकर मामले में जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने बताया कि एसपी से मांग की गई कि जल्द इस बाबत न्याय दिलाया जाए। हम अपना एसपी साहब से आज मिले हैं, एसपी साहब को हमने बताया कि ऐसी बात है कि कहाँ तक कार्रवाई पहुँची है, तो एसपी साहब ने बोला है कि हमारी कार्रवाई चली हुई है और जल्दी उसके ऊपर जल्दी से जल्दी जितना जल्दी होता है हम उनके ऊपर चर्चा करेंगे, मतलब बात करेंगे जितना जल्दी होता है उस चीज़ को, लोगों को जो भी दहशत फैली हुई है उसको जल्दी जल्दी ठीक करें। और अपने तरफ से उन्होंने कार्रवाई चलाई हुई है, उन्होंने आप विश्वास दिलाया कि आप निश्चिंत रहिए जो हुआ है वो हम सब चीज़ जो है वो ठीक करेंगे और आप बस हमारे साथ रहिए, हम भी उनके साथ हैं, हमें उनके ऊपर पूरा विश्वास है। बस ये चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके वो जो हो सके वो जो होना सके वो तो हो गया, बस हमें इंसाफ दें, गिरफ्तारी होनी चाहिए। बात नहीं अभी तो हमारी यही है कि और बात भी नहीं कर, अभी वो दिया मेन यही है कि जो कार्रवाई हमारी चली है उसके ऊपर कार्रवाई की हो रही है, बोला बोला जितना जल्दी होते हैं हम कार्रवाई कर रहे हैं, आप निश्चिंत रहिए, हमें आश्वासन दिया गया है आज हम मिले हैं, बाकी हमें पुलिस के ऊपर विश्वास है, बाकी अब देखते हैं क्या होता है। वहीं सुमित के पिता प्रेमचंद ने बताया कि जिस तरह से रात के अंधेरे में मारपीट की गई है इसकी जांच होनी चाहिए और न्याय मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ भी पुलिस को कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए। आश्वासन दिया जी आपने जो कार्रवाई है और जो भी लाइन हमको पूरा आश्वासन दिया, हम बोल रही है और दूसरी बात की दूसरी पार्टी हमको दबाव दे रहे हैं कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करो ये है वो, और हम सोचते हैं कि हमको न्याय मिले, जो हो गया वो दूसरी घर में ना हो और उस पड़ोस में ना हो और छोटे भी ऐसे कोई दूसरा अंदर पैदा। एसपी हमीरपुर कार्तिकेय गोकुल चंद्र ने बताया कि वार्ड नंबर 5 में मारपीट हुई थी और इस मामले में पुलिस छानबीन कर रही है। उन्होंने कहा कि कानून के हिसाब से पड़ताल की जा रही है और जल्द ही इस मामले में जल्द गिरफ्तारियां की जाएंगी। उन्होंने बताया कि मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है और उसके बाद ही पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। वार्ड नंबर 5 में कुछ एक हफ्ता पहले एक हादसा हुआ था जिसमें रात में अन्य व्यक्ति जो परिवार के नोन थे वो घर के अंदर आके थोड़ा सा मारपीट हुआ और धक्का मुक्की हुआ और ऐसे इंसिडेंट को रिपोर्ट किया गया था हमें। उसके आधार पर हमने उसी दिन विद इन 2 आवर्स एफआईआर रजिस्टर हुआ था और इसके बाद ये केस इन्वेस्टिगेशन में है
आज ये परिवार वाले और परिवार के अन्य सदस्य लोग मेरे पास मिलने आए, मुझे मिलने आए, और हमने इनको पूरे जो लीगल इश्यूज़ हैं इस केस से इन्वॉल्व और जो कानून के हिसाब से जो इन्वेस्टिगेशन किया गया है और अभी करना है वो सब हमने उनको पूरा समझा दिया है, उनको बता दिया है, और उनको हमने उनसे अभी जो भी उनके डाउट्स हैं वो सब हमने क्लैरिफाई किया है। ये है, इट इज़ अ मैटर सब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अभी ये केस इन्वेस्टिगेशन में है, तो मैं इन चीज़ों के बारे में, मैटर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बारे में मैं कमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि ये सब चीज़ें एक हमें रिवील करने की आवश्यकता नहीं है, तो मैं इसके बारे में कमेंट नहीं कर सकता। लुधियाना गई थी, उन्होंने जांच का जो उनका लक्ष्य था उन्होंने पूरा हासिल किया, वापस आ गए हैं, तो जो केस जो इन्वेस्टिगेशन किया हुआ है वो अभी मेडिकल रिपोर्ट के लिए पेंडिंग है, जल्दी आ जाएगा, उसके हिसाब से आगे जो कार्रवाई बनना है हम इंश्योर करेंगे कि एज पर लॉ जो कार्रवाई होना है वो 100% इंश्योर करेंगे। गौरतलब है कि गत 9 जून को रात करीब 2:30 बजे लुधियाना से आए हुए कुछ लोगों ने हमीरपुर शहर के वार्ड नंबर 5 में सुमित कुमार और उसके परिजनों से बुरी तरह से मारपीट की थी। आपको बता दें कि सुमित कुमार ने कोर्ट मैरिज करके उसी दिन लुधियाना से अपनी पत्नी संग वापस लौटे थे। मारपीट के बाद पुलिस ने मामला भी दर्ज किया था, लेकिन कार्रवाई न होने पर परिजनों ने SP से मामले में तुरंत कार्रवाई की मांग की है।